तो आज के आपके करंट अफेयर्स 9 नवंबर 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है श्रीनगर एज क्रिएटिव सिटी। देखो यूनेस्को की एक और लिस्ट है जिसे कहते हैं आपका क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी सिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो अपने कल्चर, अपनी क्रिएटिविटी, जैसे क्राफ्ट, फिल्म, डिजाइन, लिटरेचर, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, किस चीज की स्टडी है, हमेशा किसी चीज की स्टडी के पीछे लगता है ना नॉमी। गैस्ट्रोनॉमी होता है फूड की स्टडी, जहां पे फूड एंड फ्लेवर की जो स्टडी होती है उसे गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। म्यूजिक, मीडिया, ऐसी कोई चीजों के लिए जो शहर अपनी उन क्रिएटिविटी के लिए मशहूर है ना, उन्हें यूनेस्को क्या करता है, अपने इस लिस्ट में ऐड कर देता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये 2004 में शुरू हुआ था ताकि प्रमोट कर सके हम कॉपरेशन शहरों के आपस के बीच में, जो भी क्रिएटिव शहर है, ताकि वो आपस में आइडिया शेयर कर सकें कि कैसे एक दूसरे से मतलब इंस्पायर होके कि हम अपने यहाँ के कल्चर को और कैसे ज्यादा बेटर बना सकते हैं। इसके अंडर कोई फिर से कोई फंडिंग नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ये सिर्फ एक स्टेटस है, टूरिज्म अट्रैक्शन है, और अल्टीमेटली कोशिश यही है कि वहां का कल्चर, वहां की यूनिकनेस को प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके थ्रू। ठीक है, अब इसकी जो टोटल लिस्ट है, यहाँ पे ये 2017 का नंबर था इनकी वेबसाइट पे, अब 295 हो गए इस साल सारे के सारे। इस साल 49 सिटीज ऐड हुई हैं, जिसमें से हमारी एक श्रीनगर भी ऐड हुआ है। ठीक है, अब टोटल नंबर इसके अंदर 295 हो गया है, 90 कंट्रीज टोटल करके 295 हो गया। ठीक है, तो ये है क्या, इंडिया के अंदर और कौन सी सिटीज हैं जो इस लिस्ट के अंदर है। चेन्नई और वाराणसी जानी जाती हैं म्यूजिक के लिए, जयपुर है अपने क्राफ्ट और फोक आर्ट के कारण, मुंबई को फिल्म सिटी के तौर पे है, और हैदराबाद आपका गैस्ट्रोनॉमी के तौर पे। तो ये हमने इनकी कैटेगरीज भी याद रखनी है, और ये कब कब ऐड हुए थे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे जयपुर 2015 में आया, वाराणसी और चेन्नई आपके 2015 में आए, 2017 में चेन्नई 2017 में आया, मुंबई का यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, मुंबई भी 2000 इसके बाद आया मुंबई, ठीक है, 2019 में था मेरे ख्याल से मुंबई। तो ये जो सारी लिस्ट है उसमें श्रीनगर जैसे है, ये आपका क्राफ्ट और फोक आर्ट की कैटेगरी में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैटेगरीज याद रखनी है, और शहर इंडिया के अंदर कौन से हैं वो याद रखने हैं। क्लियर है? जैसे 2015 या 16 के यूपीएससी प्रीलिम्स में वाराणसी और जयपुर का तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते होते हैं, तो ये चीज हमने याद रखनी है। क्लियर है? तो ये सारा का सारा 2015 या 16 में वाराणसी, और उसका क्वेश्चन था कि कौन सी, क्योंकि सबसे पहले वही आए थे, जयपुर सबसे पहले आया था, तो उसका क्वेश्चन था कि कौन सा सिलेक्ट हुआ था। एक्चुअली जयपुर का, वाराणसी का भी क्वेश्चन नहीं था, जयपुर का क्वेश्चन था। अगला है सेकंड करंट अफेयर, केरला सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। देखो केरला की सरकार, पहली बात तो केरला की सरकार बाकी सरकारों से थोड़ी यूनिक है। कैसे, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, यानी कि लेफ्टिस्ट सरकार है, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का वैसे ही डोमिनेशन रहता है। तो केरला अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे मॉडिफाई करना चाहता है, उसमें से एक उसने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू करने लगा है वो, जो उसके स्टेट के नॉर्थ और साउथ को पूरा कनेक्ट करेगा। एक पूरी रेलवे लाइन वो बनाने लगे हैं, नॉर्थ और साउथ केरला को वो कनेक्ट करना चाहते हैं, सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। ये हाई स्पीड नहीं है, ये पेपर में देखना सिर्फ एक वर्ड बदलता है और उससे पूरा मतलब बदल जाएगा। अगर सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट की लाइन में ये लिखा गया ये हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, वो गलत हो जाएगा, ये सेमी हाई स्पीड है। तो इसके थ्रू 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 स्टेशंस के थ्रू कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, 529.45 किलोमीटर लंबी लाइन होने वाली है, 200 किलोमीटर तक की ये स्पीड पकड़ पाएगी, और आपका एक एंड से दूसरे एंड तक जो डिस्टेंस है वो 4 घंटे से कम में कवर हो जाएगा। तो ट्रैवल टाइम बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा,
और इसके कारण ये सारी चीजें की जाती है। अभी जो प्रेजेंट करंट ट्रैवलिंग टाइम है वो 12 घंटे है, अगर ये बन जाएगा तो वो 4 रह जाएगा, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। इससे हम ये भी चाहते हैं, देखो रेलवेज के ऊपर धीरे धीरे सरकारों का फोकस वापस क्यों आ रहा है, हमारे हाईवेज के ऊपर ट्रैफिक कम करने के लिए ना हमें रेलवे बेटर करने जरूरी है, क्योंकि रेलवे बेटर होंगे तभी तो लोग क्या कहते हैं रोड्स को छोड़ के वापस रेलवे से ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अब लोगों को लगता है मैं रोड से जाऊंगा, मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ट्रेन 12 में पहुंचा रही है, तो ऑब्वियसली लोग उससे जाएंगे। पर लोगों को जब कन्वीनियंस दिखने लगेगी कि मैं ट्रेन से जाऊंगा तो मैं 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ना मुझे कोई रास्ते में टेंशन है और उससे एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे, तो इस कारण हम ये चीज प्रमोट करना चाहते हैं। क्या चीज? रेलवे कॉन्करेंट है, ठीक है। तो आपके जो कर्नाटका के रेलवे जहां पे लिखा है कर्नाटका रेलवे को रेफर कर रहे हैं, ये बना रहे हैं ट्रेन जो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होंगे। इसके क्या है कि इसके अंदर मतलब ये डीजल से चलेंगे और दूसरा इलेक्ट्रिक भी, आजकल देखा होगा ट्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिक तारें जुड़ी होती हैं, जो उसकी मेन अंदर की पावर आ रही होती है वो उससे जुड़ी होती है, ठीक है। 675 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड मतलब वैसे 200 किलोमीटर तक पहुंचेगी, इसकी मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उससे भी ज्यादा स्पीड पे जाने को जा सकती है। हर 500 किलोमीटर के ऊपर एक अंडरपास जरूर दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी हाइट पे बनाई जाएगी ट्रेन, और नीचे से अंडरपास का मतलब है नीचे निकलने के लिए रास्ता छोड़ा जाएगा, ताकि हर 500 किलोमीटर पे कोई भी रोड हो जाए, कुछ भी हो, कोई बंदा क्रॉस करना है 500 किलोमीटर दोनों साइड उसके पास रास्ता है कि वहां से वो क्रॉस कर पाए। 500 मीटर बोले, किलोमीटर तो है ही नहीं ना, इतनी तो बड़ी लाइन ही नहीं है, 290 टोटल लाइन ही 529 है, तो फिर तो पास ही दो बनने थे, 500 मीटर कहना तो गलती से मैंने बोल दिया। अब इसके अंदर आपके अलग अलग शहरों के अंदर रेलवे स्टेशन बन रहे थे, ये जो रेलवे स्टेशन के नाम दिए ना, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन से स्टेशन है, पर आपको ये क्वेश्चन किसी और तरीके से बन के आ सकता है। किस तरीके से? जैसे कुछ साल पहले वो क्वेश्चन आया था कि आप इम्फाल से इस शहर तक ट्रैवल कर रहे हो तो आप कितनी स्टेट्स क्रॉस करके जाओगे, उसे पता होने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए, जब मैप वर्क करेंगे जब हम क्लास में, ऑब्वियसली हम ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे, पर उसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए वो दूसरा शहर, उस टाइम भी केरला का शहर ही आया था, वो केरला के शहर बहुत ही अननोन सा था, पर वो करंट अफेयर में था उस साल वो शहर। तो ये शहर आपको इस तरीके से आ सकते हैं, मतलब चलो त्रिवेंद्रम को तो हर कोई जानता है, कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, ऐसे कोई भी शहर जो है वो आपको आ सकते हैं, ठीक है। कासारगोड, ये सारे के सारे शहरों के बस एक बार नाम पढ़ लेना, ताकि ये कभी भी आ जाए तो आपको पता हो कि ये केरला को रेफर कर रहे हैं, वहां पे स्टेट का नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो हमेशा करंट अफेयर से ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंस से, ठीक है। दूसरी चीज आपने एक साथ में क्या सर्च करनी है, इन शहरों में से कोई एंशियंट पोर्ट सिटी तो नहीं था, ठीक है, तो वो आपको पोर्ट सिटी का हिस्ट्री का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इन शहरों का पोर्ट सिटी, यहाँ कोई बंदरगाह कभी रहा हो उसका नाम आपने सर्च कर लेना, क्लियर है। थर्ड करंट अफेयर है आपका दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। देखो आपका हम न्यू दिल्ली में जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इंडिया का हाईएस्ट पोजीशन होती है सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट जो बाकी हमारे आसपास के जो सेंट्रल एशिया के सॉरी जो देश हैं उनके साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए और अफगानिस्तान के ऊपर खासकर बातचीत करने के लिए कि अफगानिस्तान के मसले को कैसे सुलझाया जाए। यहाँ पे अफगानिस्तान की स्पेलिंग गलत है, अफगानिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए कि किस तरीके से अफगानिस्तान को टैकल किया जा सके, क्योंकि अभी तक हम तालिबान की सरकार को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, अगस्त में उन्होंने कब्जा कर लिया था, सरकार का तख्ता पलट हो गया था, पर अभी तक उसे कोई भी मेजर दुनिया की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती उस सरकार को। इसके कारण हमारे भी उसके साथ अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट रिश्ते तो टूटे हुए हैं,
पर जैसे अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने, मतलब कुछ दिन नहीं, 2 हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जैसे प्रपोजल भेजा अफगानिस्तान, हम उन सबसे क्या करते, रशिया में तालिबान से मिले थे और इंडिया ने ऑफर किया था कि हम आपको वीट सप्लाई करना चाहते हैं ताकि एटलीस्ट जो आपके वहां पे लोग भुखमरी से मर रहे हैं आप उन्हें खाना खिला सको। तो अभी हमने उनकी सरकार को नहीं रिकॉग्नाइज किया, पर हम वहां पे अपने जो इंसानियत भरे काम है, जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, उन्हें कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उसके आसपास जितने देश हैं जैसे ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे देशों को हमने बुलाया है, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या जो सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं, कि आप आइए एक मिलके मीटिंग करते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के इशू को टैकल किया जा सके। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर टेररिज्म फैलता है ना, हमारे पूरे इलाके में टेररिज्म फैलता है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड देश ये भी होंगे और उसके बियॉन्ड इंडिया भी होगा, चाहे हमें बॉर्डर डायरेक्टली नहीं लगती पर टेररिज्म यहां तक भी पोर करेगा, ठीक है, इस कारण ये प्रॉब्लम बनी रहती है। हमने पाकिस्तान चाइना को भी बुलाया था इस मीटिंग में, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो आते हैं, सी उन्होंने क्यों मना किया है, ये सारी पॉलिटिक्स है, क्योंकि अगर वो आते हैं, वो इंडिया की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्चुअली वो इंडिया का अफगानिस्तान के रोल एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया भी एक मेजर पार्टनर है अफगानिस्तान के अंदर। वो इंडिया को नहीं चाहते, खासकर पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में हमेशा रखना चाहता होता है, ठीक है, इसलिए वो तालिबान को इतना ज्यादा सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि पुरानी सरकार उनके कोई फेवर में नहीं थी। तो इसी के चलते हुए आपके पाकिस्तान और चाइना ने मना कर दिया। हमने तालिबान या पुराने जो आपके अफगानिस्तान के लीडर थे, आपके हामिद करजाई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इन्हें कोई इनवाइट नहीं भेजा है, ठीक है, और अफगानिस्तान के अंदर से मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा, ये सिर्फ आसपास के नेबरिंग कंट्रीज की मीटिंग है कि अफगानिस्तान से कैसे टैकल किया जाए, उसके इशू को कैसे हैंडल किया जाए। क्लियर है, कोई भी डाउट यहाँ पे? अगला बाय चांस हेडिंग बननी थी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखो आपके एडवोकेट जनरल क्या होता है, आपके स्टेट गवर्नमेंट को जब भी कोई केस लड़ना पड़ता है, अब इमीडिएटली थोड़ी वकील हायर करेंगे, एक तो परमानेंट ऑफिस चाहिए ना जो स्टेट को हमेशा रिप्रेजेंट करे। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 165 दिया है जो हर स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट प्रोवाइड करता है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उस स्टेट का। तो इसके अंदर क्या है, इसके पास पूरा राइट होता है, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर जाके ये बैठ सकता है, और हर स्टेट का जो भी केस होगा, मतलब जिस स्टेट का वो एडवोकेट जनरल होगा, उसका कोई भी केस होगा उस स्टेट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में भी, इस स्टेट को वही रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करेगा और साथ में उसकी टीम जाती है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन ही बनते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है और कोई और नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी कुछ क्राइटेरियाज है, क्राइटेरिया क्या है, इसे क्राइटेरिया जज ऑफ द हाई कोर्ट के बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसकी कम से कम। तो जज ऑफ द हाई कोर्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, कि उसे उसकी क्राइटेरिया क्या है, एक मिनट क्लियर, ठीक है, जैसे उसे एज अ लॉयर, सॉरी एज अ, हाँ एज अ लॉयर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे, 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो लॉयर हो आपके, ये ना मैं क्राइटेरियाज यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा, मैं आपके वैसे क्राइटेरियाज बताता हूँ, ये ना यहाँ पे गलती हो गई है जल्दबाजी में बनाने का, ये होता थोड़ा सा। देखो उसे जज होना चाहिए इंडिया के किसी भी, उसमें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा अगर वो लॉयर है उसे उस कम से कम डिस्ट्रिक्ट के या उस लेवल के 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये क्राइटीरियाज, और उसकी एज 62 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 62 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ये चीजें फुलफिल करनी जरूरी है बस, ठीक है।
एडवोकेट जनरल अपना रेजिग्नेशन कभी भी दे सकता है गवर्नर ऑफ द स्टेट को, अपना रेजिग्नेशन लेटर देके उसे अपॉइंट भी गवर्नर करता है, उसे कभी भी गवर्नर रिमूव कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एडवोकेट जनरल का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है पर ये एक विल पे है। यूजली होता क्या है, जो एडवोकेट जनरल होता है सी वकील है, सरकार का वकील है, सरकारें जब चेंज होती है ना ये वकील अक्सर रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि जिस सरकार ने अपॉइंट किया था इनकी लॉयल्टी भी तो वही लाई करती है, अगली सरकार आएगी तो वो अपना वकील चाहेगी, तो इस कारण ये उस टाइम पे खुद ही रिजाइन डाल देते हैं, नहीं तो इन्हें हटा दिया जाता है। गवर्नर की प्लेजर पे है, गवर्नर जब चाहे इन्हें हटा सकता है। उसकी मेन जो ड्यूटीज हैं वो यही है कि वो सारी जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है स्टेट के बिहाफ पे, और ये सारी चीजें, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है, जो इसकी रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी होगी, जो पेंशन होगी, कुछ भी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि इसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, वो हमेशा स्टेट गवर्नर डिसाइड करता है इसे कितनी सैलरी मिलनी है। एडवोकेट जनरल या आपके दूसरे कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए, आपके अटर्नी जनरल जो सेंटर में होता है, इनके लिए एक चीज यूनिक है, ये ना इकलौते ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहां पे इन्हें ना प्राइवेट प्रैक्टिस करनी भी अलाउड है तो ये वकील ही ना, तो ये सरकार के केस भी लड़ते हैं पर इन्हें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी कि ये खुद अपने कोई और भी केस लड़ना चाहते हैं ये लड़ सकते हैं, बस उस पर कुछ कंडीशन लग जाती है। कंडीशन क्या है, देखो हमेशा एक केस में दो साइड होती है ना, एक होता है आपका जिसके ऊपर एक एक्यूजेशन लगी होती है, एक्यूज्ड होता है जो, और एक होता है विक्टिम, ये हमेशा विक्टिम की साइड से ही लड़ सकते हैं, एक्यूज की साइड से नहीं लड़ सकते, ठीक है। और दूसरा, ये कोई भी ऐसा केस नहीं उठा सकते जिसमें दूसरी साइड पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है उनका केस नहीं उठा सकते, ठीक है, खुद ही अपने खिलाफ थोड़ी लड़ोगे, तो इस कारण बस ये लिमिटेशन होती है। बाकी ये इकलौता ऐसा ऑफिस है गवर्नमेंट का जहां पे ये चीजें अलाउड है। क्लियर है, कोई भी डाउट? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उसे भी गवर्नर ही करेगा। हाँ तो गवर्नर ने अपॉइंट करना है, तो गवर्नर काम तो चीफ मिनिस्टर सबसे पूछ के करता है ना, ठीक है, तो यही जिसे अपॉइंट करता, अभी तो क्या कहते हैं सरकार चेंज हो जाती है, एडवोकेट जनरल भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो सरकार रूल कर रही है वो उन्हीं का ही खास होता है एक तरह से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पर ये एक नॉर्म बन चुका है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई भी डाउट? तो यही थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स, कर्नाटका की रेलवे लाइन, श्रीनगर के बारे, इन्हें अच्छे से याद